नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस खास वीडियो में, जहां हम आपको सुनाने जा रहे हैं तीन ऐसी डरावनी कहानियां जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। अगर आप दिल के कमजोर हैं तो यह वीडियो आपके लिए नहीं है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की पहली भयानक कहानी, जिसका नाम है बेड पर कौन है। एक पिता अपने 7 साल के बेटे को गुड नाइट कहने गया। उसे अच्छी तरह पता था कि अगर वह ऐसा नहीं करेगा तो उसके बेटे को सोने में परेशानी होगी। यह उनके बीच रात की दिनचर्या थी। वह मंद रोशनी वाले कमरे में गया जहां उसका बेटा अपने कंबल के नीचे इंतजार कर रहा था। पहली नजर में ही पिता को पता चल गया कि आज रात उसके बेटे में कुछ असामान्य है, लेकिन वह इसका पता नहीं लगा सका। वह वैसा ही दिख रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी जो कान से कान तक फैली हुई थी। तुम ठीक हो दोस्त, पिता ने पूछा। बेटे ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और फिर कहा, पिताजी मेरे बिस्तर के नीचे राक्षसों की जांच कीजिए। पिता ने थोड़ा सा हंसकर कहा, फिर अपने बेटे को संतुष्ट करने के लिए घुटनों के बल बैठ गया। वहाँ बिस्तर के नीचे पीला और डरा हुआ उसका बेटा था, उसका असली बेटा। उसने फुसफुसाते हुए कहा, पिताजी मेरे बिस्तर पर कोई है। हुआ न डर का एहसास। अब चलिए दूसरी स्टोरी की तरफ। एक यात्री ने अकेले ही हाइक पर जाने का फैसला किया, कुछ ऐसा जिसकी उसे आदत नहीं थी। पूरा दिन सामान्य था, पेड़ और झाड़ियाँ उसके चारों ओर फैली हुई थी। उसे पहाड़ों में बाहर रहना अच्छा लगता था। उसे कुछ भी अजीब नहीं लगा जब तक कि वह अपनी कार की ओर वापस नहीं आ गया। उसने सोचा कि 8 घंटे की हाइक काफी है। आसमान में पहले से ही अंधेरा छा रहा था और उसे जल्दी से वापस लौटना था। अजीब बात ये थी कि वह वापस जाने के रास्ते को बिल्कुल भी नहीं पहचान पाया। वह घबराने लगा। रात पहले ही छा चुकी थी और उसके पास सिर्फ एक टॉर्च थी और वापस जाने का कोई सुराग नहीं था। उसे पता था कि बहुत देर हो चुकी थी और खतरनाक जंगल से गुजरना बहुत खतरनाक था। उसे चिंता होने लगी कि रात के लिए उसके पास कोई आश्रय नहीं होगा। जब किस्मत से वह एक टूटे फूटे केबिन जा पहुंचा, वहां अंधेरा था और ऐसा लग रहा था कि सालों से कोई वहां नहीं आया था, लेकिन उसे पता था कि यह एकमात्र जगह थी जहां वह दिन के उजाले तक आराम कर सकता था, खासकर तब जब उसकी टॉर्च की बैटरी खत्म हो रही थी। उसने कई बार दरवाजा खटखटाया लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया, इसलिए वह अंदर चला गया। जहां अजीब बात यह थी कि बीच में एक व्यक्ति के लिए एकदम सही बिस्तर उसका इंतजार कर रहा था। उसे पता था कि अगर मालिक वापस आता है तो वह खुद को समझा सकता है। उसे यकीन था कि मालिक को कोई आपत्ति नहीं होगी, या शायद वह मर भी गया होगा। इसलिए वह आगे बढ़ा और बिस्तर पर आराम से लेट गया। जब वह सोने की कोशिश कर रहा था तो वह कमरे के चारों ओर चित्रों के संग्रह को अनदेखा नहीं कर सका। अजीब दिखने वाले लोगों के चित्र सभी उसे देख रहे थे। हर किसी की मुस्कान ने उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर दी। कुछ ही समय बाद पैदल यात्रा से उसकी थकान उस पर हावी हो गई और वह उन चेहरों को नजरअंदाज करने में सक्षम हो गया। अगली सुबह वह जल्दी उठ गया और ये देखकर हैरान रह गया कि कमरे में कोई पेंटिंग नहीं थी बल्कि खिड़कियां थी। अगर आप अभी तक कहानी सुन रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और चलिए अब आखिरी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। एक डॉक्टर अस्पताल में काम कर रहा था, एक ऐसा अस्पताल जहां मरीजों को रंगीन पट्टियों से टैग किया गया था, हरा से जीवित को और लाल से मृत को। एक रात डॉक्टर को अस्पताल के बेसमेंट से कुछ सामान लाने का निर्देश दिया गया और इसलिए वह लिफ्ट की ओर चला गया। लिफ्ट के दरवाजे खुले और अंदर एक मरीज थी जो अपने काम में व्यस्त थी। मरीजों को अस्पताल में इधर उधर घूमने की अनुमति थी, खासकर उन लोगों को जो लंबे समय से अस्पताल में हैं। नियम ये था कि उन्हें 10 बजे से पहले अपने कमरे में वापस आ जाना चाहिए। डॉक्टर ने बेसमेंट का नंबर दबाने से पहले मरीज की तरफ मुस्कुराया। उसे यह अजीब लगा कि महिला ने पहले से कोई बटन नहीं दबाया हुआ था। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या वह भी बेसमेंट की तरफ जा रही थी। लिफ्ट आखिरकार उस मंजिल पर पहुंच गई जहां दरवाजे खुले। दूर से एक आदमी लंगड़ाता हुआ लिफ्ट की ओर आ रहा था और घबराहट में डॉक्टर ने लिफ्ट को बंद करने के लिए जोर से बटन दबाया। आखिरकार लिफ्ट बंद हो गई और लिफ्ट वापस ऊपर चढ़ने लगी। डॉक्टर का दिल तेजी से धड़क रहा था। तुमने ऐसा क्यों किया? वह लिफ्ट का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा था। महिला ने नाराज होकर कहा, क्या तुमने उसकी कलाई देखी? डॉक्टर ने पूछा। वह लाल थी, वह कल रात मर गया। मुझे पता है क्योंकि मैंने उसकी सर्जरी की थी। महिला ने अपनी कलाई उठाई, उसने लाल रंग देखा। वह मुस्कुराई। इस तरह डॉक्टर सीधे कोमा में चला गया। मेरे YouTube के साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।